हेलो फ्रेंड्स, रेसिपीज हेवन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याज की कचौड़ी। आप इसे मैदा से भी बना सकते हैं, आटा से भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसे हेल्दी और टेस्टी बनाएंगे, इसलिए आटे से प्याज की कचौड़ी बनाएंगे। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए प्याज की कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। प्याज की कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक कप आटा लेंगे, उसमें आधा छोटा चम्मच नमक डालकर मिलाएंगे। अब कचौड़ी को खस्ता बनाने के लिए इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। घी अच्छी तरह से मिल गया है, अब ये बाइंड हो रहा है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। डो बनकर तैयार है, अब इसमें हल्का सा घी लगाएंगे और इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक हम स्टफिंग को तैयार करेंगे। इसके लिए फ्राई पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच खड़ी धनिया, 1 पिंच हींग डालकर हल्का भून लेंगे। ये हल्का भुन गया है, अब इसमें 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे और 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालकर 1 मिनट तक भुनेंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज कटे हुए डाल देंगे और इसे भी 5 मिनट तक भून लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। प्याज हल्का भुन गया है, इसे हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला डालकर इसे हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच बेसन डालेंगे और इसे चला चला कर 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। बेसन अच्छी तरह से भुन गया है और प्याज में मिक्स हो गया है, अब हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डालकर मिला लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। स्टफिंग बनकर तैयार है, अब हम चलते हैं अपने आटे की तरफ। आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है, इसे एक बार नीट करेंगे और इसमें से थोड़ा सा लोई तोड़ के गोल करेंगे। अब इसे चपटा करेंगे और इसे कटोरी की तरह बनाते हुए इसमें 1 से 2 चम्मच स्टफिंग को भरेंगे और इसे गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से इसे सील कर देंगे। अब इसे हाथों से थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसे हल्का सा बेलन से बेलेंगे। इसे पूड़ी के बराबर रखेंगे और इसी तरह से सारी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार करेंगे। अब कचौड़ी को एक एक करके गरम तेल में डालेंगे। अब इसे पलट पलट कर फ्राई करेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। कचौड़ी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छी प्याज की कचौड़ी बनकर तैयार है। आप इसे चटनी, सब्जी, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।